कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे और तमाम शीर्ष नेतृत्व ने लगातार उचित मुआवजे की मांग करी है और इस मंच से कांग्रेस पार्टी हर मृतक के परिवार के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग करती है। और ये मुश्किल नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम सरकार रहेंगे फिर भी हम एक छोटा सा आंकड़ा आपको बता देते हैं। 4 लाख करोड़ रुपए सरकार ने पिछले साल कमाए थे मात्र फ्यूल एक्साइज पर, ईंधन की एक्साइज ड्यूटी पर 4 लाख करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम 5 लाख रुपए देते हैं 4.5 लाख परिवारों को तो मात्र 22,000 करोड़ रुपए, क्योंकि कुल जमा राशि का सिर्फ और सिर्फ 5.5% है। अगर आप 5 लाख रुपए ही देते हैं मृतक के परिवारों को तो वो कुल जमा राशि का जो आपने सिर्फ ईंधन से कमाई है, लोगों की कमर तोड़ के कमाई है, उसका मात्र 5.5% है। तो ये किया जा सकता है और ये किया इसलिए जा सकते हैं क्योंकि करोड़ों लोगों के रोजगार नष्ट हो गए। अगस्त तक में 15 लाख नौकरियां गई, जुलाई में 32 लाख गई, अप्रैल और मई में 2 करोड़ 27 लाख गई, अनुमानित आंकड़े नौकरी नष्ट होने के 14 करोड़ तक है। लोगों का वेतन कर दिया, भविष्य निधि जो ईपीएफ होती है वहां पर 66,000 करोड़ रुपए लोगों ने विड्रॉ किया। और ऐसे टाइम से जरूरत है कि बहुत बच्चे यतीम हो गए, परिवार के जो मेन ब्रेड विनर थे, जो मुख्य कमाने वाले थे वो चले गए, और ऐसे में 50,000 रुपए देना ये ना देते वो बेटर था। लेकिन ये भद्दा बदमाश हो रहा है, ये बहुत गलत है। जरूर दौरा करें, प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो भाजपा के ही प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको देश का सर ऊंचा करना चाहिए, उनको भारत के हितों की, हमारे सामरिक हितों की बातें करनी चाहिए। मोदी जी ने लेकिन फॉरेन पॉलिसी को, विदेश नीति को एक कैमरा अपॉर्चुनिटी बनाकर छोड़ दिया है। लेकिन विदेश नीति सिर्फ गले लगना नहीं होता है, कूटनीति या विदेश नीति भारत के हितों को कैसे सर्वोपरि रखा जाए उसका लबोलबाव यही है। लेकिन चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो रशिया हो, चाइना तो सबको पता ही है, चाहे वो अमेरिका हो, हमारे हितों को सर्वोपरि रखकर आज बात नहीं हो रही। फॉरेन पॉलिसी हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ मेयर फोटो वॉक एंड विच इज वाई इंडिया विच वॉज एट द डिसाइडिंग टेबल ऑन एवरी मेजर इशू, विश्व में भारत की भागीदारी के बगैर कोई फैसला नहीं होता था, आज भारत को भागीदार नहीं बनाया जा रहा है। तो मोदी जी को हम सफल दौरे की शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन हम साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि आप भारत के सामरिक हितों की बातें कैसे कर रहे हैं।